तो यहाँ हम देख रहे हैं इस फोटोग्राफ में कि सेक्शन 341 का जो अपराध है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी संज्ञेय अपराध है, यानी पुलिस इसमें बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और पुलिस अपने आप से इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है, उसे मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इसमें ट्रायल कर सकता है। लेकिन जो धारा 323 का ऑफेंस है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी असंज्ञेय अपराध है, और ये भी जमानतीय है और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसमें ट्रायल कर सकता है। अब चूंकि दोनों धाराएं जुड़ गई हैं, एक साथ मुकदमा दर्ज हो रहा है 341 323 का, इसलिए इस अपराध को संज्ञेय अपराध की तरह माना जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, यानी ऐसे माना जाएगा कि जैसे ये कॉग्निजेबल ऑफेंस ही है। अब ये हमने देखिए एक कंप्लेनेंट बनाया है, परिवादी बनाया है, इसके साथ किसी व्यक्ति ने मारपीट कर दी, इसका रास्ता रोका, क्योंकि जो सेक्शन 341 है वो रास्ता रोकने के बारे में है, यानी कोई आपको एक दिशा से, एक दिशा में आप जा रहे हो और उस दिशा में वो आपको जाने से अवरुद्ध कर देता है, तो 341 ये आईपीसी लगती है, और जो सिंपल मारपीट होती है तो उसमें 323 लग जाती है। तो इस आदमी के साथ भी किसी ने इसका रास्ता रोका और इसके साथ मारपीट कर दी। अब ये थाने जाता है, तो थाने में ये अपनी रिपोर्ट को लिख कर लेके जाता है, तो वो जो लिखी हुई रिपोर्ट है उसको हम कहते हैं तहरीरी रिपोर्ट। अब ये थाने में जाता है और वहां इंचार्ज से मिलता है और अपनी जो रिटर्न कंप्लेंट है, जो तहरीरी रिपोर्ट है, उसको वहां दे देता है धारा 154 में, क्योंकि आप जानते हैं 154 सीआरपीसी 154 में कोई भी व्यक्ति जब थाने जाता है अपनी मौखिक या लिखित रिपोर्ट वहां देता है तो उस पर पुलिस अपनी कार्रवाई करके और एफआईआर दर्ज करती है सेक्शन 154 सीआरपीसी में। तो यहां भी ये व्यक्ति जा रहा है थाने और अपनी रिटर्न कंप्लेंट वहां दे रहा है। अब पुलिस इस पर क्या करेगी, पुलिस क्या करेगी, इस पर अपनी कार्यवाही पुलिस लिखेगी, यानी ये जो तहरीरी रिपोर्ट रिटर्न कंप्लेंट दी है इसकी वो बिल्कुल बैक में ही तहरीरी इसकी कार्रवाई पुलिस को लिखेगी, यानी बिल्कुल उसकी पुश्त पर वहां वो लिखेगी कि ये परिवादी थाने में हाजिर हुआ और इसने ये जाहिर किया है कि इसके साथ इस फला व्यक्ति ने मारपीट की है, इसने आज ये अपनी रिपोर्ट दी है इतने समय पर इतनी तारीख को, इसलिए और इस रिटर्न कंप्लेंट से, इस तहरीरी रिपोर्ट से ये मुकदमा प्रथम दृष्टया बनना प्रकट हो रहा है, इसलिए हम मुकदमा नंबर 10/2020 दर्ज करते हैं और एक्स एक्स आईओ को ये तफ्तीश, यानी ये इन्वेस्टिगेशन दिया जा रहा है। हमने मुकदमा नंबर 4 एग्जाम्पल मान लिया है और एक्स एक्स भी आईओ का नाम मान लिया है। अब ये इसकी एफआईआर कटेगी, तो तीन कॉपियों में ये एफआईआर कटेगी, ठीक है। तो वो जो एफआईआर जो कटती है वो पुलिस थाने में ही एक छपा हुआ परफॉर्मा होता है, उसमें वो एफआईआर कटती है, यानी उसको वापस से रिपीट किया जाता है, पूरी स्थिति जो है वो तहरीरी रिपोर्ट की उसमें लिखी जाती है और फिर आगे की जो कार्रवाई पुलिस है वो भी उसमें लिख दी जाती है। तो एक कॉपी मजिस्ट्रेट के यहाँ यानी कोर्ट में चली जाती है, एक कॉपी विक्टिम को, ये जो कंप्लेनेंट आया है इसको दे दी जाएगी, एक कॉपी थाने में रहेगी जो आईओ को दे दी जाएगी, क्योंकि आईओ उसकी तफ्तीश कर रहा है। तो ये इतना काम जो इंचार्ज है वहां का, जो उस वक्त थाने में मौजूद है, ये करके और आईओ को दे देता है। अब आईओ जो है यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इसकी तफ्तीश करनी, इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करता है। तो इन्वेस्टिगेशन जब वो प्रारंभ करेगा तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो उस कंप्लेनेंट के बयान लेगा सेक्शन 161 सीआरपीसी में, यानी 161 सीआरपीसी में उसके बयान लेगा, फिर उसके साथ जो भी विटनेस है, जो गवाह है, उनके बयान ले लेगा, और अगर इस कंप्लेनेंट के या इसके साथ कोई विटनेस है तो अगर उनकी कोई चोटें हैं तो फिर इसको वो मेडिकल करवाने के लिए डॉक्टर के पास लेके जाएगा। तो हमने दो नंबर पॉइंट में ये देखिए लिखा है मेडिकल, और इसकी इंजरी रिपोर्ट वहां बनती है, क्योंकि डॉक्टर मेडिकल करेगा, मेडिकल करके इंजरी रिपोर्ट बनाता है, इसको शॉर्ट में कहते हैं आईआर। फिर तीसरा पॉइंट क्या करेगा, फिर ये जो कंप्लेनेंट है, परिवादी है, इसको साथ में लेकर घटना स्थल पर जाएगा और घटना स्थल को देखेगा, यानी वो साइट प्लान वहां देखेगा कि यहां पर क्या हुआ है,
और घटना देखकर फिर वो साइट प्लान बनाएगा, वो देखेगा कि कहाँ वास्तव में घटना हुई है और उस घटना स्थल को देखकर फिर वो उसमें कोई और एक्स्ट्रा धारा है तो वो जोड़ देगा। लेकिन यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमको केवल 341 323 में ही ये मुकदमा देखना है, इसलिए घटना स्थल जो है वो जो परिवादी ने बताया है वही है और इन धाराओं के अनुरूप ही है और कोई धारा इसमें एक्स्ट्रा नहीं जोड़ती है। अब इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद वो देखेगा कि इसमें कोई प्रॉपर्टी सर्च करनी है या कोई सीज करनी है। मान लो साइट वहां गया, वो वहां पर कोई सामान पड़ा है तो उसको सीज कर लेगा, जब्त कर लेगा या कोई और उसको घटना मतलब तथ्यों से और कुछ लगता है तो उसको भी वो सीज कर लेगा। अब वो मुलजिम की तलाश करना शुरू करेगा, मुलजिम की तलाश की और मुलजिम उसको मिल जाता है तो फिर वो मुलजिम को अरेस्ट करेगा और फिर क्योंकि धारा 341 और 323 दोनों ही अपराध, आप देखिए कि मैंने यहाँ लिखा है कि बेलेबल ऑफेंस है यानी जमानती अपराध है, तो धारा 436 सीआरपीसी के तहत इन अपराध में जमानत प्राप्त करना मुलजिम का अधिकार होता है, यानी एज ए राइट वो जो ही गिरफ्तार होंगे उसको बेल मिल जाएगी। तो हाथों हाथ आईओ ने उसको बेल उसको दे दी है। और ये देखिए पांचवें नंबर पर मैंने लिखा है बेल बॉन्ड, यानी बेल देते ही वो उसे बेल बॉन्ड ले लेगा, यानी उसका मुचलका ले लेगा और उसकी जमानत ले लेगा। और अब इसके साथ एक चीज और होती है धारा 172 सीआरपीसी के तहत कि ये जो कागज साथ के साथ बनते जा रहे हैं, एक केस डायरी भी साथ के साथ ही कटनी शुरू हो जाती है। जो ही ये एफआईआर का छपा हुआ परफॉर्मा बनता है उसके साथ ही एक केस डायरी भी वो लिखना शुरू कर देते हैं, उसमें भी ये जो तहरीरी रिपोर्ट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं तथ्य हैं ये उस केस डायरी में भी लिखे जाते हैं। और इस केस डायरी ये भी एक थाने पर छपा हुआ परफॉर्मा होता है, इसके लूज पेपर वो एक एक साथ लगाते रहते हैं, उसमें बाकायदा ये लिखते रहते हैं कितनी बजे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, कितनी बजे ये मेडिकल करवाने गए, कितनी बजे इन्होंने ये कंप्लेनेंट के बयान लिए, फिर जो बयानों का जिस्ट है यानी बयानों का जो सारांश है वो भी उसमें लिखा जाता है, फिर कितनी बजे घटनास्थल पर गए आए गए ये सारा उसमें एक एक वर्णन इसमें लिखा जाता है ताकि ये पता रहे कि इन्होंने किस हिसाब से इस मामले का इन्वेस्टिगेशन किया है। तो ये जो केस डायरी बनाने का प्रोविजन है ये धारा 172 सीआरपीसी में दिया हुआ है। इसके बाद एक और चीज करेंगे कि ये गवाहों के बॉन्ड भी लेंगे सेक्शन 171 सीआरपीसी के तहत। ये क्यों लेते हैं, क्योंकि अब देखिए कि इन्होंने गवाहों के बयान लिए। अब गवाहों के बॉन्ड लेने का मतलब ये है कि ये इनको पकड़कर तो नहीं रख सकते, तो इनका मतलब ये है कि भाई बॉन्ड भरवाने से मुचल के भरवाने से ये उनको पाबंद कर रहे हैं कि तुमको जब ये फाइल कोर्ट पहुंचेगी तो तुमको यहाँ कोर्ट पहुंचना है गवाही देने के लिए, तो इसलिए गवाहों के बॉन्ड भी भरवा लिए जाते हैं। तो ये सब पूरा हो गया तैयार, ये सब तैयार होने के बाद वो चार्जशीट तैयार करता है, क्योंकि वो इन सारे पेपर्स को देखने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि इस मामले में इस कंप्लेनेंट इस परिवादी के साथ मारपीट हुई है और अब वो इसका चालान पेश करना चाहता है, यानी कोर्ट में चार्जशीट पेश करना चाहता है, तो वो इसकी चार्जशीट तैयार करेगा। अब चार्जशीट कैसे तैयार करेगा, ये क्या होती है, इसका भी छपा हुआ परफॉर्मा होता है और उसके दो तीन पेपर्स में वो सारी बातें उसमें लिखता है कि किसको हमने मुलजिम बनना पाया है और वो शुरुआत से पूरी उसमें कहानी लिखता है कि कितने बजे एफआईआर दर्ज हुई, क्या बात हो गई थी, फिर किसको इसमें क्या कार्रवाई पुलिस अंकित की गई, कार्रवाई पुलिस के होने के बाद इसमें कैसे इन्वेस्टिगेशन हुआ और क्या क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान हुआ और फिर पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद आईओ ने क्या निष्कर्ष निकाला, तो ये सारी बातें जो है इस चार्जशीट में दर्ज होती हैं। तो इस तरह इसके 3-4 पेजेस बन जाते हैं। तो अब ये पूरी सारी ड्राफ्टिंग हो गई, अब हमारी पूरी फाइनल जो है चार्जशीट पुलिस तैयार करेगी। अब मैंने इधर बिल्कुल 1, 2, 3, 4, 5 नंबर से ये मैंने पूरा लिखा है इसमें कि ये चार्जशीट के साथ साथ क्या क्या संलग्न करेगा आईओ, क्योंकि अब ये फाइल बनकर कोर्ट के अंदर जाएगी। तो ये देखिए सबसे ऊपर तो लगेगा चार्जशीट के पेपर लग जाएंगे, उसमें 3-4 पेपर जितने भी होते हैं वो चार्जशीट के पेपर सबसे ऊपर लग जाएंगे।
और वैसे तो ये जो बाकी और दूसरे पेपर है 2, 3, 4 ये भी चार्जशीट के पार्ट होते हैं, लेकिन मेन चार्जशीट ये जो एक नंबर में हमने लिखी है यही होती है और फिर बाकी ये इसके पार्ट लग जाते हैं इसके साथ। तो 2 नंबर पर चार्जशीट के पीछे FIR लग जाएगी, 2 नंबर पर, फिर 3 नंबर पर इसकी तहरीरी रिपोर्ट लग जाएगी, फिर 4 नंबर पर ये IR हमने लिखी है, इंजरी रिपोर्ट, 5 नंबर पर गवाहों के 161 के बयान लग जाएंगे। अब मान लो 5 गवाह हैं तो 5 पेपर हो गए। फिर 6 नंबर पर नक्शामों का, जो इसने घटनास्थल पर जाकर साइट प्लान बनाया तो वो नक्शामों का लग जाएगा। फिर 7 नंबर पर जब्ती यानी सीजर मीमो, अगर उसने कोई प्रॉपर्टी जब्त की है या कोई कोई भी जैसे लाठी डंडा जिससे मान लो इसकी चोटें आई या कोई कार वगैरह जिसमें वो मुलजिम आया या उसके कोई या कोई मोटरसाइकिल, तो ये उसमें जो भी परिस्थिति है उस हिसाब से इसमें अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी उसने जब्त की है तो ये इसमें 7 नंबर पर सीजर मीमो बन जाएगा। फिर 8 नंबर पर बेल बॉन्ड, जो मुलजिम के उसने बेल बॉन्ड लिए हैं अक्यूज्ड के, वो लग जाएंगे। और 9 नंबर पर जो गवाहों के बॉन्ड लिए थे वो लग जाएंगे। तो ये तो चार्जशीट का पार्ट हो जाएगा, ये सारी चीजें एक फाइल बन जाएगी इसकी पूरी, उसको सिलाई हो जाएगी उसकी और फिर ये चार्जशीट बनकर तैयार हो जाएगी। अब एक और प्रोविजन इसमें किया गया है कि आजकल जो केस डायरी है उस केस डायरी का भी एक भाग, क्योंकि ये 2-3 कॉपियों में बनती है केस डायरी भी, तो एक कॉपी थाने में रह जाती है, एक कॉपी पीपी के पास रहती है और एक कॉपी कोर्ट में जाती है। तो ये केस डायरी को सील बंद करके एक लिफाफे के अंदर और इस पूरी चार्जशीट के साथ उसको भी लगा दिया जाता है। तो वो हमारा 10वां पॉइंट हो गया कि जो सील बंद लिफाफा है केस डायरी का वो भी इसमें साथ लग जाएगा। तो इस तरह ये जो पेपर्स है इसकी पूरी फाइल बनकर कोर्ट में चली जाती है। तो ये हमारी पूरी चार्जशीट है, पुलिस ने इस सेक्शन 341 और 323 यानी 341 और 323 में ये इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया है और अब ये फाइल जो है कोर्ट में जाएगी। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अब इस फाइल पर कोर्ट क्या कार्रवाई करेगा और क्या क्या ऑर्डर शीटें यहाँ लिखी जाएंगी।